रीवा में कांग्रेस ने बीजेपी की विकास यात्रा पर जमकर निशाना साधा है। बुधवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि यह यात्रा कोई विकास यात्रा नहीं है, बल्कि निकास यात्रा है। यह सरकार षड्यंत्र कर रही है। किस द्वारा बड़े जोर शोर से मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही है। यह विकास यात्रा नहीं है साथियों, यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश से निकास यात्रा है। और इसके बाद ये 2024 में इस देश से निकास यात्रा बनेगी। विकास यात्रा के नाम पर जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा, आज सरकारी मशीन जो है पूरी की पूरी जनता के विकास का कार्य छोड़ के और जनता के हितों का काम छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भांति विकास का काम कर रही है और विकास यात्रा की बात कर रही है। इसके लिए बाकायदा हर जिले में कलेक्टर के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।